बारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, 5 देशों के यात्रियों को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। बड़ी खबर यह है, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर के लिए 1 जनवरी 2023 से RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन पैसेंजर्स को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसी के साथ कुछ और बड़ी अपडेट, बिहार में कोरोना केसेज में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड ने राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करना होगा। बिना मास्क के स्कूल में एंट्री नहीं होगी। वहीं देखिए बड़ी बात यह भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक देश के लिए अगले 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले ट्रेंड्स का एनालिसिस करने के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन भारत के लिए काफी निर्णायक होंगे। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो 6 देश कोरोना से प्रभावित है और इन 6 देशों से कोई व्यक्ति आता है तो जनवरी से 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में बेसहारा हुए गोवंश ठिकाने के बिना सड़कों पर भटकने को मजबूर है। देखिए राजस्थान समेत देश में पशुपालन का चलन तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आवारा छुट्टा पशुओं का आतंक भी तेजी से बढ़ रहा है। और सच्चाई तो यह भी है, जब पशुओं से दूध मिलना बंद हो जाता है तो पशुपालक उन्हें खुली सड़क हांकने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद यह बेसहारा पशु इस प्रचंड ठंड में भटकने को मजबूर हो जाते हैं। और देखिए बड़ी बात तो यह है, राजस्थान में करीब 3000 गौशालाएं हैं और यहां सरकार भी इन पशुओं के चारे के इंतजाम के लिए 30 से 40 रुपए प्रति पशु के हिसाब से अनुदान देती है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की बात करूं तो यहां 12,72,000 गोवंश बेसहारा सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर है। और भले ही सरकारें गौशालाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या से तो यही पता चलता है कि अभी भी राज्य में गौशाला या आवारा पशुओं के आश्रय की कमी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेजुबान बेसहारा पशु दिन में सड़कों पर और रात में कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। राजस्थान की एक और बड़ी खबर, पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अब तक जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच अगर CBI से हो जाए तो बंगाल में पार्थ चटर्जी की तरह कई कांग्रेसी नेता और मंत्री जेल में होंगे। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बाद अब कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। बाड़ी के कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और उनके घरों पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की नसीहत दी है। मलिंगा ने पेपर लीक को लेकर राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता मलिंगा ने कहा है कि बुलडोजर चलाने में क्या दिक्कत है, योगी भी मुख्यमंत्री है और हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री है, ऐसे में हमारे यहाँ ठोस कार्रवाई कब होगी ताकि बार बार पेपर लीक का सिलसिला बंद हो। एक और बड़ी खबर, नागौर की मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी बुधवार शाम जयपुर के छोटी चौपड़ में शॉपिंग करने आई थी। इसी दौरान उनकी पार्क की गई कार की पिछली सीट से उनका बैग अज्ञात चोर उठा ले गया। इस संबंध में विधायक ने गुरुवार को कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। देखिए एक विधायक का बैग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। राजस्थान में अब लगातार चोरी और लूट की घटना आए दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी आज आपको बड़ी अपडेट दूंगा, क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम बना है जिसकी वजह से गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, नागौर समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि सर्दी कम हो गई है, तापमान 4 डिग्री तक ऊपर चला गया है, लेकिन बड़ी बात यह है 1-2 दिन के बाद फिर भयंकर सर्दी का दौर शुरू होने वाला है
और देखें मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी रह सकता है, उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा और मौसम साफ होते ही एक बार फिर उत्तर से बर्फीली हवाएं शुरू होगी। अनुमान है कि 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी से प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। गुरुवार को वसुंधरा राजे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। माना जा रहा है कि इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे योगी आदित्यनाथ के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की है। एक और बड़ी खबर आ गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों क्लासेज के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को और 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 और 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, आरबीएससी यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इस वर्ष की 12वीं बोर्ड टाइम टेबल जल्द जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आरबीएससी 12वीं क्लास 2023 की परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की जा सकती है। जैसे ही आरबीएससी 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल को लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी एक दो दिन पहले ही पीएम मोदी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब खबर यह है कि पीएम की मां हीराबा का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।